B-Town की गॉसिप्स के लिए बी रेडी, बिकॉज मैं नामिका आज B-Town के उन स्टार्स का करूंगी जिक्र जिन्होंने अपने वाइफ को किया चीट। तो कौन है वो स्टार्स? टू नो बी विद मेट्रो टीवी। फिल्मों की सबसे बड़ी पहचान है इनकी हैप्पी एंडिंग। प्यार, रोमांस, संघर्ष, सब कुछ इन फिल्मों में होता है, लेकिन आखिर में सभी को माफी ही मिलती है। रियल लाइफ में कई बार एक शादीशुदा मर्द अपने रिश्ते को ताक पर रखकर दूसरी महिला से रिलेशन रखता है या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। रोचक बात यह है कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता रहता है, और ऐसे करने वाले एक्टर्स की फेवरिस्ट में छोटे मोटे एक्टर नहीं बल्कि बड़े एक्ट्रेस भी शामिल है। इस शो के जरिए हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही बॉलीवुड स्टार से जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ किया था धोखा। अक्षय के दिल फेक रवैये और आशी की मिजाज से तो हर कोई वाकिफ रहा है। ऐसे में उनकी बीवी ट्विंकल खन्ना के लिए समस्या आना तो स्वाभाविक था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। अक्षय और रवीना टंडन की नजदीकियां एक समय में बॉलीवुड के हर शख्स की जुबान पर थी। ये भी कहा जाता है कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। हालांकि इस सब के बाद अक्षय की जिंदगी में ट्विंकल खन्ना आई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अक्षय तो अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं थे, तो इस बार नाम आ गया प्रियंका चोपड़ा का। लेकिन इस बार ट्विंकल ने समझदारी से काम लेते हुए अक्षय को इस बात के लिए मना कर दिया कि वो प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे। इसके अलावा भी अक्षय ने रेखा और शिल्पा शेट्टी के साथ भी खूब फ्लर्टिंग की है। शिल्पा के साथ तो इनका रिश्ता भी काफी लंबा चला था। शाहरुख खान ने अपने बचपन के प्यार गौरी को पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, ये कहानी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरों से किंग खान भी नहीं बच पाए। शाहरुख के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काम करने वाली काजोल का नाम जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जब काजोल ने अजय से शादी कर ली तो ये विवाद थम गया। इसके बाद शाहरुख का नाम प्रियंका चोपड़ा से भी जोड़ा गया। प्रियंका वाले मामले में गौरी भी शाहरुख से बहुत खफा हो गई थी। लेकिन अब ये तो बड़े बड़े स्टार हैं और अपना स्ट्रेंथ फिलर खोज ही लेते हैं, तो शाहरुख और गौरी ने भी ऐसा ही किया और आज दोनों साथ रह रहे हैं। ऋतिक रोशन की शादी सुजैन के साथ हुई थी और इनकी मैरिड लाइफ 13 साल से भी ज्यादा चली। लेकिन क्या आपको पता है कि ऋतिक ने भी कई ऐसे कारनामे किए हैं जिनकी वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। शादी से पहले ऋतिक रोशन के लिंक करीना से जुड़े थे। इसके बाद उनके रिलेशन उनके बचपन की दोस्त जरीन खान से भी रहे। इन खबरों ने सुजैन को खूब परेशान किया था, लेकिन हद तो तब हो गई थी जब ऋतिक की फिल्म काइट्स की हीरोइन और मैक्सिकन हॉटी बारबरा मूरी के साथ ऋतिक के अफेयर की खबरें आई। जब इस तरह की खबरें मीडिया में आने लगी तो सुजैन खान ऋतिक को छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर रहने चली गई थी। इसके बाद जब मामला ज्यादा बिगड़ गया तो खुद ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने बीच बचाव किया था, तब जाकर सुजैन घर लौटी थी। हालांकि बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। अजय देवगन और काजोल का रिश्ता बॉलीवुड की सफल शादियों में गिना जाता है, लेकिन अजय देवगन भी इस तरह की कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाए थे। अजय देवगन के करिश्मा कपूर के साथ गहरे रिलेशन थे। इसके अलावा उनका कंगना रनावत के साथ भी रिलेशनशिप रहा है। हालांकि बाद में इन सभी खबरों को नकारते हुए काजोल ने अजय से शादी की थी और आज वो अपने बच्चों न्यासा और युग के लिए परफेक्ट मदर का रोल निभा रही है। मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी इस तरह की खबरों से खुद को बचा नहीं पाए। यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के वक्त अमिताभ बच्चन, जया भादुरी और रेखा का लव ट्रायंगल हर किसी की जुबान पर था। उनकी रियल लाइफ स्टोरी के शायद ये सबसे बड़ी हिट थी। खैर, जया बच्चन ने अमिताभ को इसके लिए माफ कर दिया था और उनसे शादी रचा ली थी। आज इस कपल को बॉलीवुड का आइडल कपल माना जाता है।
वही रेखा आज भी अकेली है, लेकिन गाहे बगाहे उनके अमिताभ से लिंक सामने आ ही जाते हैं। जरीन वहाब से शादी करने वाले आदित्य पंचोली का बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप रहा था। जब इनका रिलेशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया तो जरीना ने आदित्य से तलाक लेने की बात कही। जब तलाक की बात सामने आई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कंगना से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि इसके बाद जरीना की जिंदगी में सब कुछ सामान्य हो गया था और ये दोनों अब तक एक साथ रह रहे हैं। पहले ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके और दो बच्चों के पिता धर्मेंद्र शोले की शूटिंग के समय हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए। अपने बड़े बेटे सनी देओल के खुले विरोध के बावजूद धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया था। इसके बाद हेमा से धर्मेंद्र को दो बेटियां ईशा और अहाना हुई थी। इस समय धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश के साथ ही रहते हैं, लेकिन साथ ही वो हेमा और उनकी बेटियों की भी मदद करते हैं। वेल, बॉलीवुड खबरों में फिलहाल इतना ही। बी विद मेट्रो टीवी। बाय बाय एंड टेक केयर।